साहित्य की नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ साहित्यिक विभूतियाँ हैं, राजेंद्र जी हैं और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं और मधुकर मिश्रा जी भी हैं। हम जानेंगे कि यहाँ ये निराला का जिला है, से कह सकते हैं निराला का नगर ही है। यहाँ पे महादेवी वर्मा, छायावाद के स्तंभ के कई महान विभूतियाँ यहाँ पे रची बसी हैं। तो हम जानेंगे क्या है उनकी कहानी। कभी निराला जी के दर्शन पहली बार सन 1951 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था तब मैंने किए थे। महाकवि निराला जी की सेवा में जय गोपाल मिश्रा और डॉक्टर शिव गोपाल मिश्रा, जो इस समय विज्ञान परिषद के महामंत्री या अध्यक्ष या कर्ता धरता हैं, ये दोनों मौसमगंज से साइकिलों पर आया करते थे। और पीछे पीछे मैं उस समय मधवापुर में रहता था, मधवापुर में उनके साथ साथ आता था। जय गोपाल उनकी बालिश भी करते थे, जय गोपाल उनकी बड़ी सेवा करते थे और शिव गोपाल मिश्रा कापी में रोज आने वाले बाहर के लोगों के नोटिंग करते थे, उसमें से एक कापी आज भी मेरे यहाँ मिली हुई है। महाकवि निराला को हमारे जमाने में हमारे गुरुजन और हिंदी के अधिकांश साहित्यकार पागल समझते थे, पागल कहते भी थे। आज चाहे झूठ मूठ के लिए तमाम लोग कहते हैं कि हम जाते थे, हम ये करते थे, कोई नहीं जाता था। ये जा रहे थे कि वहाँ खिलाएंगे उनको, वो पेड़े बच्चों को बांट दिएगा, चले आए। फिर आए कमलासन करके कमरे में, तो उन्होंने चाय बनवाई और लोटा भर के चाय लेके और एक गिलास लेके वो कोठी में ऊपर चढ़े। जब वो ऊपर चढ़े तो उस समय हम लोग, मैं, हमारे लोग का समय निश्चित था मिलने का, हमारा मिशन था निराला मिशन और प्रधानमंत्री नेहरू से बात करने के लिए। और हमारे गुरुजी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, जो निराला जी के अक्सर जाते रहते थे, पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी के कृपा पात्र थे, वो उस मिशन के अध्यक्ष थे। मैं, सब लोग, हम लोग वहाँ पहुँचे, बैठे थे हम लोग, तो हम लोगों को कहा गया कि जब वो निकलेंगे तब आपकी बात होगी। तो हम लोगों को एक तरफ बैठा दिया गया। पता लगा कि निराला जी चाय लेके आए तो पहरेदारों ने वहीं रोक लिया कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह कोई चीज़ नहीं ले जाई जाती जाने के लिए। उन्होंने कई बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आया हूँ, मैं जवाहरलाल के लिए आया हूँ, मैं जवाहरलाल को चाय पिलाऊंगा। वो नहीं माने, उन्होंने जिद की तो उन्होंने लोटा फेंका और वो चले गए। ये तो वहाँ की घटना हुई। अब मैं आपको जवाहरलाल का कथन बता रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल निकले, पीछे पीछे सब देवता के लिए राय साहब, लेकिन वो रुके, पंडित रुके जवाहरलाल, और रुक कर उन्होंने बात की। तो उदयनारायण तिवारी से हालचाल पूछा, उनका सब किया, तो उन्होंने बताया। तो डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने सीखे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि अब उनकी कैसी तबीयत है। तो उन्होंने कहा, जी आजकल तो थोड़ा ठीक है, वो आ रहे थे आपको चाय पिलाने, ऐसा हो गया। तो उन्होंने बड़ा जोर से ठहाका लगाया, जवाहरलाल ने बहुत जोर का ठहाका लगा के कहा, कभी कभी तो सभी का दिमाग ठीक हो जाया करता है, और चले गए बाद में। हालांकि वहां जाके उन्होंने उनकी सरकारी पेंशन रखवा दी 100 रुपए, जो DM पे आती थी। इसके उसमें मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने नवभारत टाइम्स में पूरा लेख लिखा, बहुत बड़ा, अक्षय कुमार जैन एडिटर थे, उनके उनसे बात करके, निराला मिशन और प्रधानमंत्री नेहरू, जिसकी अंतिम लाइन थी कि इनकी राजनीतिक महापुरुषों को, साहित्यिक महापुरुषों का मजाक उड़ाने का ये अधिकार किसने दिया है। मुझे सबने कहा कि तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। हमने कहा जो होगा होगा। मैंने दिया और वो जू का तू छापा, जू का तू पूरा पूरे पेज में उन्होंने उसको छापा।